बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ फरीद उस्मान, लेक्चर एंड फिजिकल एजुकेशन और डॉन वर्चुअल एकेडमी की जानिब से आप लोगों को मुखातिब हो। डियर व्यूअर्स, डॉन वर्चुअल एकेडमी आप लोगों के साथ फिजिकल एजुकेशन के हर टेस्ट, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हो या चाहे वो केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हो या वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हो, टेस्ट की पैटर्न और एमसीक्यूज शेयर करते रहेंगे और शेयर करते रहते हैं। और मेरी कोशिश है कि इस टेस्ट की कंप्लीट होने के जब बाद जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट आने वाला है, उसकी पेपर पैटर्न और एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ में जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो होती है वो भी शेयर करता रहता हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मज़ीद कामयाब बनाएं और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवलुएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एमसीक्यूज फॉर लेक्चर फिजिकल एजुकेशन टेस्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर ए मोटर एजुकेटेबिलिटी टेस्ट। चूँकि टेस्ट मेजरमेंट एंड एवलुएशन में जो पेपर में मोस्टली आते हैं, ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से आज मैंने जो टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू से जो टेस्ट में मोस्ट आते हैं वही एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये इनसे रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है बी, जो कि IOWA टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर एजुकेटेबिलिटी टेस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर है बी, जो कि है IOWA टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनल्ड्स सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व्स। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, मैकडोनल्ड्स सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व वलिंग द स्कोर बॉल अगेंस्ट अ बैक बोर्ड। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपर्ट यूथ फिटनेस, या जिसको हम AAHPERD यूथ फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट इज फॉर मेजरिंग। ये इनसे रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर है मोटर फिटनेस, यानी AAHPERD यूथ फिटनेस टेस्ट इज फॉर मेजरिंग मोटर फिटनेस। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विथ विच वेरियस टेस्ट स्कोर द सेम टेस्ट इज फाउंड फेट थ्रू। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच वेरियस टेस्टर्स स्कोर द सेम टेस्ट फाउंड फेट थ्रू ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव
जी ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेजर यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय पर्सन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर बी है, जो कि अर्गोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्डियोवास्कुलर। क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर कार्डियोवास्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एच पी ई आर डी, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ए अमेरिकन, फिर ए अलायंस फॉर एच हेल्थ, पी फिजिकल, ई एजुकेशन और रिसर्च एंड डी ड्रॉन्स, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है सी, जो कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियो वस्कुलर एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है इसका बी, कॉपर्स टेस्ट। नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन दी कार्डियो वस्कुलर एफिशिएंसी, जो कि है कॉपर्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी डोनेटेड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका राइट आंसर है ए, रिलायबिलिटी डोनेटेड कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन 2×2×2 फैक्टोरियल डिजाइन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप विल बी, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जब हम 2×2 करें तो 4 बनता है, और जब इसको हम मजीद 4 में 2 और ज़र्ब करें तो फिर ये 8 बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 8, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडमिल इज यूज फॉर मेजरिंग, ये इनसे रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी वर्क डन इन रनिंग, ऑप्शन डी फोर्स। करेक्ट आंसर है सी, वर्क डन इन रनिंग। अ ट्रेडमिल इज यूज फॉर मेजरिंग वर्क डन इन रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस वी शुड नॉट यूज टेस्ट, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है बी, व्हेन व्हेन वेरिएंस इज लार्ज, इन विच केस वी शुड नॉट
यूज टेस्ट व्हेन वेरिएंस इज लार्ज, जब हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा हो तो तब हम टेस्ट यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवोल्यूशन विच इज अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, यानी वो इवोल्यूशन जो ड्यूरिंग द कोर्स हो रहा है या हम ड्यूरिंग द कोर्स ले रहे हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोमेटिव एवेल्युएशन, ऑप्शन बी क्रिएटिव एवेल्युएशन, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ऑप्शन डी नॉर्मेटिव एवेल्युएशन। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है सी जो कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, जो ड्यूरिंग द कोर्स होता है वो उसको हम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच अ मेजरिंग डिवाइस मे बी अप्लाइड इज अ सर्टेंडेड थ्रू, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन से वैलिडिटी, ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी बोथ द अबव, यानी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बोथ। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है बी जो कि रिलायबिलिटी है। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच अ मेजरिंग डिवाइस मे बी अप्लाइड इज सर्टेंडेड थ्रू रिलायबिलिटी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टूडेंट स्कोर डन बाई कंपेयरिंग इट विथ स्कोर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स इज डन बाई, ये इससे रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए क्रिएशन रिफरेंस टेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन डी एसे टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है बी जो कि नॉर्म रिफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट यूज टू मेजर कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस इज, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है ए ट्रेडमिल टेस्ट, टेस्ट यूज टू मेजर कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस इज ट्रेडमिल टेस्ट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर इंड्योरेंस, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है डी डिस्टेंस वॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर इंड्योरेंस, तो वो कौन सा है, वो है डी यानी डिस्टेंस वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है सी जो कि गोनोमेट्री। Assessment of flexibility is done with the help of gonometry, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है।
अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो कि है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट एट बॉडी जॉइंट्स जॉइंट्स रेफर्स टू। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन डी बी मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी एजिलिटी। तो करेक्ट आंसर देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सी, रेंज ऑफ मूवमेंट्स प्रेजेंट एट बॉडी जॉइंट्स रेफर्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मोटर एबिलिटी। ये डिफरेंट टेस्ट से डिफरेंट ऑप्शन से क्वेश्चन से रिलेटेड, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है बी, जो के मेंते जॉनसन टेस्ट, यानी मेंते जॉनसन टेस्ट जो है ये मोटर एबिलिटी के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट लाइक सेट या SAT आर यूज टू मेजर, यानी ये एक सेट है टेस्ट है कि ये टेस्ट किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन ए एप्टीट्यूड, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी अचीवमेंट, ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर ए एप्टीट्यूड। सेट या SAT टेस्ट आर यूज टू मेजर एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट मेजर परफॉर्मेंस। ये डिफरेंट टेस्ट है ऑप्शंस में, अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डिफरेंशिएंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट मेजर परफॉर्मेंस, यानी जिसके से हम परफॉर्मेंस जो है वो मेजर नहीं करते हैं, तो वो डिफरेंशिएंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ मस्कुलर टैलेंट इज अ टेस्ट फॉर। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन से, ऑप्शन ए एप्टीट्यूड, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी अचीवमेंट, ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ए एप्टीट्यूड। मेजर ऑफ मस्कुलर टैलेंट इज अ टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। ये डिफरेंट टेस्ट है ऑप्शन से, कि इसमें कौन सा टेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए हैं, तो देखते हैं कौन सा टेस्ट है। डी, सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए है, जिसके जरिए हम फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर रिएक्शन टाइम जो है हम किस टेस्ट से मेजर करते हैं। तो ये ऑप्शन में डिफरेंट टेस्ट है, तो देखते हैं कौन सा टेस्ट है। ए
रोलर ड्रॉप टेस्ट, यानी रोलर ड्रॉप टेस्ट से हम रिएक्शन टाइम जो है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ स्किल टेस्ट फॉर वॉलीबॉल, यानी ये इनसे रिलेटेड टेस्ट है, ऑप्शंस है कि इसमें कौन सा टेस्ट है जिसके जरिए हम वॉलीबॉल्स के जो स्किल्स है वो मेजर नहीं करते हैं। तो देखते हैं कौन सा टेस्ट है। सी, मोर क्रिश्चियन टेस्ट बैटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ स्किल टेस्ट फॉर वॉलीबॉल, और वो कौन सा है, सी वाला, जो कि मोर क्रिश्चियन टेस्ट बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैडमिंटन स्किल टेस्ट। बैडमिंटन स्किल टेस्ट कौन सा है। अब ये डिफरेंट टेस्ट से ऑप्शंस में, तो देखते हैं कौन सा है। ए, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट। बैडमिंटन स्किल टेस्ट जो है वो कौन सा है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी कंपोजिशन आर बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेसन टिश्यू इज ग्रेटर देन दैट अफेक्ट टिश्यू। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, जो कि हाइड्रोस्टिक विंग, हाइड्रोस्टिक विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट ऑफ बॉडी कंपोजिशन इज यूज टू क्वांटिफाई एंड इंडिविजुअल ओबेसिटी लेवल, यानी जो बॉडी कंपोजिशन है और ओबेसिटी लेवल है वो कौन से बॉडी टेस्ट के जरिए से, टेस्ट के जरिए से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है हाइट, यानी ए, हाइट वेट टेबल्स। हाइट वेट टेबल्स से हम बॉडी कंपोजिशन या किसी इंडिविजुअल की ओबेसिटी लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं या उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग measures of body composition used the capillary device to measure the thickness of substances fat stores। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट आंसर है सी, जो कि स्किन फोल्ड मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट टू मेजर बैलेंस। ये डिफरेंट टेस्ट है ऑप्शंस में। अब इसका करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट, यानी स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट से हम बॉडी की जो बैलेंस है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर एजिलिटी। ये डिफरेंट टेस्ट है, इसमें वो कौन सा टेस्ट है जो एजिलिटी के लिए यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर सी, स्ट्रोक स्टैंड स्टैंड टेस्ट, यानी स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट जो है वो हम एजिलिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं।
the ability to effectively integrate the movement of the body part is? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए एजिलिटी, ऑप्शन बी बैलेंस, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी स्पीड। तो आंसर देखते कोऑर्डिनेशन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, द एबिलिटी टू एफेक्टिव इंटीग्रेट द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tests not measure coordination? ये different tests है options में, कि इनमें कौन सा test है जिसके जरिए हम body coordination measure नहीं कर रहे हैं। तो right answer देखते हैं, right answer है C, vertical jump। यानी vertical jump से हम body coordination measure नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड यूज फिल्म एनालिसिस एंड ईएमजी एनालिसिस। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एजिलिटी, ऑप्शन बी बैलेंस, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी स्पीड। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है स्पीड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, जो कि स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू मेक एक्सेसिव मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एफिशिएंटली एंड रैपिडली रेफर्स टू। ये डिफरेंट ऑप्शंस है क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी ऑप्शन ए एजिलिटी, ऑप्शन बी बैलेंस, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी पावर। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है एजिलिटी, यानी ये एजिलिटी की एक डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू मेक सक्सेसिव मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एफिशिएंटली एंड रैपिडली रेफर टू एजिलिटी, ये एजिलिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्स टेस्ट इज अ स्किल टेस्ट फॉर, यानी नॉक्स ये एक टेस्ट का नाम है, वो स्किल टेस्ट है, ये किस लिए यूज होता है? ये डिफरेंट ऑप्शंस है, हॉकी, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर बी बास्केटबॉल, यानी नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर बास्केटबॉल। द असेसमेंट ऑफ अ नंबर टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म द डिग्री टू विच पीपल एक्सपोजिज अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। ये इनसे रिलेटेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी मेजरमेंट, ऑप्शन सी इवेल्युएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। अब इसका करेक्ट आंसर है मेजरमेंट, यानी ये मेजरमेंट की डेफिनेशन है, द असेसमेंट ऑफ अ नंबर टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू विच अ पीपल एक्सपोजिज टू गिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की डेफिनेशन है। चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्किल इन, ये एक टेस्ट का नाम है चैपमैन बॉल कंट्रोल, के ये टेस्ट जो है ये किस स्किल के लिए यूज होता है? ये डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑप्शंस है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल,
ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर इसका हॉकी। चेप मेन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट स्किल इन हॉकी। तो ये टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेलुएशन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कह दिया कि टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन फिजिकल एजुकेशन में मोस्टली ये टेस्ट जो हैं डिफरेंट टेस्ट जो हैं पैटर्न में ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से मैंने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे वो आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। हमारे साथ रहे, हमें अपनी दुआओं में याद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।